हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स ने ही अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स ने ही अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि। ध्यान समझिएगा, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों समझा जाए। प्रायोगिक तथ्य के आधार पर यस का मतलब प्रतिस्थापन और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। अब क्रियाएं निम्नलिखित पदों द्वारा संपन्न होती हैं। प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अब क्रियाएं जो हैं वह निम्नलिखित पदों में संपन्न होती हैं। तीन पदों में संपन्न होती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं की उत्पत्ति होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है। दूसरे स्टेप में कार्बधनायन बनता है और तीसरे स्टेप में मध्यवर्ती कार्बधनायन से प्रोटॉन का विलोपन होता है। प्रायोगिक तथ्य के आधार पर प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया जो है वह तीन पदों में होती है। पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं की उत्पत्ति होती है, फिर कार्बधनायन बनता है, फिर मध्यवर्ती कार्बधनायन से प्रोटॉन का विलोपन होता है। तो आइए एक एक स्टेप को समझा जाए। पहला स्टेप में आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स नहीं की उत्पत्ति, ई प्लस की उत्पत्ति। बेंजीन के क्लोरीनन, एल्किलन तथा एसिलन में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि लुईस अम्ल है आक्रमणकारी अभिकर्मक के साथ संयुक्त होकर क्रमशः Cl प्लस, R प्लस, RCO प्लस अर्थात एसिलियम आयन देता है। ठीक है, तो बेंजीन के क्लोरीनन हो चाहे एल्किलन हो चाहे एसिलन हो में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड जो है अर्थात जो लुईस अम्ल है आक्रमणकारी अभिकर्मक के साथ संयुक्त हो जाता है। देखें ध्यान से, यह जो है आपका लुईस अम्ल है AlCl3, यह आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक है, ठीक है Cl2। यह जो है आकर AlCl3 से जुड़ जाता है। AlCl3 से Cl आके जुड़ेगा तो AlCl4 माइनस हो जाएगा और Cl प्लस बच जाएगा अर्थात क्लोरोनियम आयन बनेंगे। दूसरा, अगर CH3Cl है तो इसमें आप देख रहे हैं कि Cl जो है आकर इससे जुड़ जाएगा, AlCl4 बन जाएगा माइनस और बनेगा CH3+, मेथिल धनायन बनेगा। CH3COCl है तो इससे Cl अलग होके AlCl3 से जुड़कर AlCl4- माइनस बनाएगा और CH3CO ठीक है C पर प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एसिलियम आयन बन रहे हैं, एसिलियम आयन का निर्माण हो रहा है और वह एसिलियम आयन का निर्माण कैसे हो रहा है, लुईस अम्ल से क्लोरीन के जुड़ने के कारण हो रहा है। नाइट्रीकरण के संदर्भ में अगर बात की जाए, नाइट्रीकरण के संदर्भ में सल्फ्यूरिक अम्ल से नाइट्रिक अम्ल को प्रोटॉन के स्थानांतरण पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाइट्रोनियम आयन इस प्रकार बनता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है देखे ध्यान से, यह है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको ऐसे लिख सकते हैं HO3SOH, H2SO4 ऐसे लिख दिए। HNO3 नाइट्रिक अम्ल को ऐसे लिख सकते हैं HONO2 के रूप में। अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, यह हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में हो गया है और यह H+ आके इससे जुड़ जाएगा क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, तो यह आपका बन गया HSO4- HSO4- क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ले चुका है HSO4- बन गया
और यह हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ गया है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है हाइड्रोजन के जुड़ने के कारण, और ऑक्सीजन पे प्लस आ गया है। अब यह जो कंपाउंड बना है अर्थात प्रोटॉनीकृत नाइट्रिक अम्ल जो है, ऑक्सीजन प्लस को समाप्त करने के लिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे इस नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, NO2 प्लस के रूप में यह अलग हो जाएगा, ठीक है, और यह आपका H2O बन जाएगा। इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचते ही प्लस समाप्त होगा, H2O के रूप में अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा, इसलिए NO2 पे नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, अर्थात नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा। तो प्रोटॉनीकृत नाइट्रिक अम्ल जो है वो बदल जाएगा नाइट्रोनियम आयन में। तो नाइट्रीकरण के संदर्भ में आपने देखा कि सल्फ्यूरिक अम्ल से नाइट्रिक अम्ल को प्रोटॉन के स्थानांतरण पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाइट्रोनियम आयन बनता है। यह रोचक तथ्य है कि नाइट्रोनियम आयन की जो उत्पत्ति है की प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल की भांति तथा नाइट्रिक अम्ल क्षारक की भांति कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह अम्ल की भांति कार्य करता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल जो है वह क्षारक की भांति कार्य करता है। अतः यह एक साधारण अम्ल क्षारक साम्य है, जिसको निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह एक साधारण अम्ल क्षारक साम्य है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल की तरह कार्य करता है, क्यों? क्योंकि यह H प्लस देता है, और नाइट्रिक अम्ल जो है क्षारक की तरह काम करता है, क्योंकि यह H प्लस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और यह अभिक्रिया एक अम्ल क्षारक साम्य है। तो यह पहला हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं की उत्पत्ति, जिसमें नाइट्रोनियम आयन बना है और एसिलियम आयन आपने ऊपर देखा है। अब दूसरा देखते हैं ख, कार्बधनायन एरिनोनियम आयन का बनना। कार्बधनायन अर्थात एरिनोनियम आयन का बनना, इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से सिग्मा संकर या एरिनोनियम आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से सिग्मा संकर या एरिनोनियम आयन बनता है, जिसमें एक कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है, तो यह आप देखें, यह आपका बेंजीन है, इस पर आक्रमण हो रहा है एरिनोनियम आयन का, ई प्लस का आक्रमण होगा, यह जुड़ जाएगा, सिग्मा संकुल एरिनोनियम आयन बनेगा। कार्बन का संकरण आप देख सकते हैं, sp3 संकरित यह कार्बन है, ई यहां जुड़ गया है, यह सिग्मा संकुल एरिनोनियम आयन है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से, ई प्लस के आक्रमण से सिग्मा संकर या एरिनोनियम आयन बनता है, जिसमें एक कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है, ठीक है। तो यह आपका एरिनोनियम आयन है, सिग्मा संकुल है, जिसमें यह कार्बन sp3 संकरित है। अब जो एरिनोनियम आयन है वह निम्नलिखित प्रकार से अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। एरिनोनियम आयन के कार्बन पे जो प्लस आया है, इसको समाप्त करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, जिससे प्लस यहां आ जाता है, इसको समाप्त करने के लिए यहां से शिफ्ट होते हैं, जिससे प्लस यहां आ जाता है। यह दो कंडीशन संभव होता है, अनुनाद की घटना यहां पे होती है, ठीक है, जिससे इसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो यह अनुनाद हो जाता है। सिग्मा संकुल या एरिनोनियम आयन के sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण रुक जाता है, ठीक है, यहां आने पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण यह एरोमेटिक गुण खो देता है, ठीक है। यह जो प्लस देख रहे हैं, इसका मूवमेंट होता है, यहां से बांड यहां शिफ्ट होगा, यहां प्लस आएगा,
यहाँ का बंद यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, यह आप देख रहे हैं। जब यहाँ से अब यहाँ शिफ्ट होगा, तुरंत यहाँ पहुँचने पर अब यहाँ पे sp3 संकरित कार्बन मिल जाएगा और समाप्त हो जाएगा। सिग्मा संकुल या एनोनियम आयन के sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण रुक जाता है, जिसके कारण यह एरोमेटिक गुण खो देता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे स्टेप में। पहला इलेक्ट्रॉन्स नहीं की उत्पत्ति हो गया, कार्बनायन का बनना हो गया, अब देखते हैं मध्यवर्ती कार्बनायन से प्रोटॉन का विलोपन। यह तीसरा स्टेप है, प्रोटॉन का विलोपन। एरोमेटिक गुण को पुनः स्थापित करने के लिए, क्योंकि एरोमेटिक गुण तो समाप्त हो गया, सिग्मा संकुल या एरिनोनियम आयन के sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण रुक जाता है, जिसके कारण एरोमेटिक गुण खो देता है। एरोमेटिक गुण को पुनः स्थापित करने के लिए सिग्मा संकुल sp3 संकरित कार्बन पर AlCl4- हैलोजनन, एलिकिलन या एसिटिलन के संदर्भ में अथवा HSO4- नाइट्रीकरण के संदर्भ में आक्रमण द्वारा प्रोटॉन का विलोपन करता है। देख सकते हैं आप, यहां पर अब आक्रमण हो रहा है AlCl4- का। आक्रमण होने से आप देख रहे हैं यह कंपाउंड बन रहा है, HCl बन रहा है, AlCl3 बन रहा है। यहां से प्रोटॉन हट जा रहा है, H हट जा रहा है, प्रोटॉन का विलोपन हो जा रहा है। यह H हटते ही बंद यहां शिफ्ट हो जाता है और यह प्लस समाप्त हो जाता है, यह उत्पन्न हो जाता है और H प्लस अलग हो गया, Cl से मिलकर यह Cl बना देता है और यह AlCl3 हो जाता है। तो इस तरह से प्रोटॉन का विलोपन हो जाता है। HSO4- में अटैक जब होता है HSO4- का, तो यहां पर भी आप देखते हैं यह हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में अलग हो जाता है, बंद का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है, यह प्लस समाप्त हो जाता है, आपका कंपाउंड मिल जाता है और हाइड्रोजन के आने से H2SO4 बन जाता है। तो इस तरह से प्रोटॉन का विलोपन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन क्रियाविधि तीन स्टेप में है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की उत्पत्ति, कार्बनायन का बनना और मध्यवर्ती कार्बनायन से प्रोटॉन का विलोपन। तो यह आपने देखा कैसे जो है मध्यवर्ती कार्बनायन से प्रोटॉन अलग हो रहा है, इस पर AlCl4- अटैक होने से यह H+ के रूप में अलग हो जाता है, ठीक है, जिससे यह प्लस समाप्त हो जाता है और जो H+ निकलता है वह Cl से मिलकर HCl बना लेता है, क्योंकि यहाँ से Cl भी निकलता है और AlCl3 बन जाता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।